तो अभी मैं इधर एक टैरो अब मैं गीतांजलि के लिए करूंगी. ओके तो गीतांजलि. अरे वाह, देखा, निकालो तीन कार्ड. अरे तो सवाल क्या है, कार्ड तो निकालो. सवाल क्या है तुम्हारा, कैसा रहेगा 2021 मेरे लिए? ये लो पढ़िए. ये कह रहा है 2021 तो नंगा कर देगा भाई. आई डोंट नो, पता नहीं, डिफिकल्ट है, इजी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसकी. तो अलग अलग, पहले तो कैंडी गिव अस अ चाइल्ड, हां पहले वो पूछ लेते, फिर उसके लिए कैसा रहेगा वो दूसरे तीन क्वेश्चंस पूछ लेते. ठीक है, याद अपने का तो पता नहीं चला, कैंडी का कराने लगे. ऑफ कोर्स शी कैन गिव यू अ चाइल्ड. अरे मई जून तक देगी 100% और मेजर आरकाना. आपके तो कैंडी के बच्चे अच्छे हैं, मतलब. अरे मुंह मीठा हो जाए, मुंह मीठा हो जाए भाई, मुंह मीठा हो जाए. क्यों नहीं हो सकते 100%. और उसकी हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है उसकी हेल्थ में. आप खामा का सोच रहे हो. बस ये एक डाउट था, क्लियर हो गया. तो जी एक एक डेरी मिल्क हो जाए. ये लो आराम से करो. इंटरेस्टिंग तुम क्वेश्चन पूछ लो, फिर उसके बाद रख के फिर पूछ सकते हो. आई वॉन्ट टू आस्क की कोविड कब तक लगता है कि पूरी तरह से चला जाएगा? इस साल जाने वाला है कोविड, इंडिया से कोविड इस साल जाएगा? देखो सच्ची बोलूं, इंडिया से पूरी तरह से जाते जाते साल डेढ़ साल जाए. साल डेढ़ साल ना, फोकस्ड ही नहीं थॉट से. कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है. कोई बोलता है ये करो, फिर कल कोई आके बोलता है चार महीने का ये करना चाहिए था, हमने क्यों नहीं किया. साल डेढ़ साल लग जाएगा जाते जाते, कोविड पर निकल जाए. तो मैं इतनी टायर्ड हो गई हूँ कि मैं खड़ी हो गई हूँ, खड़ी हो गई हूँ. कुछ खाने के लिए मंगवाया है और बीच में टैरो भी चलता रहेगा, खाएंगे बाद में. आज शुरू करते हैं. खड़े होके भी निकलेगा. मैं कह रहा हूँ मैं भी पूछ लूँ अपना एक आध सवाल. अरे पूछिए ना, पूछिए पूछिए. मैं इसके बाद गीतांजलि के भी कार्ड निकालूंगी. क्या ये व्लॉग शूट कैसे कर रहे हैं? ये ना पता क्या, लोग ना बहुत जो अपफ्रंट होते हैं, जो सीधा डायरेक्ट बोलने वाले होते हैं ना, कई बार रूड लगते हैं. सी आई टेल यू व्हाई आई प्रेफर टू बी स्ट्रेट. सी आई डोंट नो द अदर पर्सन सो वेल. अब है ना वो क्या चाहते हैं कभी कभी कि जो, और मैं, मुझे पता है, ये मुझे तब पता चला जब मैं है ना अपने टैरो कर रही थी पेरेंट्स के लिए ठीक होंगे ठीक होंगे, तो मैंने और चार पांच टैरो से भी पूछ लिया. जो इंसान ना बोलता था मैं उस इंसान को रिजेक्ट कर लेती. हाँ, तो आपको वही सुनना होता है जो आप चाहते हो. वही सुनना है जो आप चाहते हो. तो मैं समझ में आया कि लोग है ना इतनी जल्दी इरिटेट क्यों होते हैं अगर मैं ना बोलती. लेकिन द फैक्ट इज कि तुम सच्चाई बोल रही हो, तो सच्चाई सुननी हो तो और 10 जन के पास जाओगे, वो बोलेंगे ठीक है मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा. हमें दिखेगा है तो है. ये फिर वो सारा पैसे बनाने का चक्कर होता है, व्हिच आई डोंट लाइक, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक यू, दैट्स व्हाई आई लव यू. आपको याद है आपके लिए मैंने एक बार पहले बोला था, अरे खतरों के खिलाड़ी के लिए यू आर लाइक वो कहीं नहीं, जैसे अभी मैंने बोला. मैं कॉमेडी स्केचेस का प्लान कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे टीम भी बना रहा हूँ. तो कॉमेडी स्केचेस में करने जा रहा हूँ आगे, मैं और भी काफी चीजें करूंगा जो कि प्रॉपरली मिनी वेब सीरीज कॉमेडी स्केचेस ये सब करके एंड देन दूसरे लोगों के लिए भी करेंगे, बना के देंगे. ऐसा प्लान, मतलब प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस जैसा. अभी स्केच कॉमेडी से शुरू कर रहा हूँ टीम के साथ. तो ये कैसा जाएगा, कितने कार्ड्स? 3, 5, 7 जितने देने दे दो. मैं थोड़ा आलसी हूँ तो 3 में ही गुजारा करेंगे. ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, ये चीज नवंबर के बाद ही होगी. ओके, मतलब जो आपको ग्रोथ डेवलपमेंट जिस तरह से आपको चाहिए वो नवंबर से पहले नहीं होगा. और मैं बताती भी हूँ क्यों. इसलिए क्योंकि अभी आपने ना बहुत वेरिड रखा है, थोड़ा आपको उसको कॉन्क्रीट करके दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा. करेक्ट, एग्जैक्टली सही बोल रहा हूँ मैं. मेरा दिमाग कई जगह भाग रहा है अभी. तो ये बहुत सारी चीजों में ना गीतांजलि उलझा हुआ है. हाँ. और बहुत सारी चीजों में अपना हाथ डाल रहा है, दिमाग डाल रहा है. आई सी हिम कि बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिशें कर रहा है. right. तो मेरे को भी लग रहा है गीतांजलि जी मेरा अभी सब कुछ तो लाइफ में सॉर्टेड है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ मनी ये सब फाइनेंशियल सब कुछ सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में. मेरे को बस ये पूछना था कि मेरा जो एक्टिंग करियर है वो प्रॉपरली पिकअप कब से लेगा. एक होता है ना प्रॉपर कि फिर मैं सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा हूँ, मेरे पास और किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं है. अच्छा, दैट्स योर फर्स्ट पैशन. हाँ, तो फिर उसके लिए एक बार हम आपका देख ले एस्ट्रोलॉजी इफ यू डोंट माइंड. हाँ हाँ ठीक है. तो मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए होंगे. बताइए. प्लेस ऑफ बर्थ आपका? गोरखपुर यूपी. डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दी है लेकिन आपको नहीं बताइए. तो अब आपने बता दिया कि मैं हूँ शेर सिंह और वो है मगरमच्छ. मगरमच्छ तो कैसे, ना शेर पानी में जा सकता है ना मगरमच्छ. अरे दुबे. अच्छा, स्वग्रही सूर्य है तो आप खुद ही, इसलिए आपका जो सूर्य लग्न में है ना वो आपको एक्टिंग करने में लेकर आया है.
ये जरूरी नहीं कि अविनाश हर जन का जिसका सूर्य लग्न में वो एक्टिंग करियर में डोंट टेक इट एज दैट. शुक्र भी आपका लग्न में, इसलिए पर्सनैलिटी अच्छी है. और लग्न का शुक्र जो है ना उसको बहुत पैसा चाहिए होता है. तो पैसे चाहिए होता है या मिलता है? मिलता भी है. अच्छा यार, शुक्र लग्न में बैठा है तो पर्सनैलिटी होगी, अपीयरेंस होगा, जब बोलोगे तो लोग सुनेंगे. यू नो इट इज अ गुड थिंग, बट सिर्फ इतना प्रॉब्लम हो गया कि उसका पावर कम है. तो अगर आप है ना इसको थोड़ा सा ऊंचा करना चाहते हो, एक डायमंड पहनो. अरे डायमंड की रिंग ला के दो मेरे बर्थडे पे. डायमंड तो मैं मांग रही हूँ इससे. मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया, मैं उसके लिए लूँ कि अपने लिए लूँ? एक ही नहीं ले रहा था ये आदमी, अपने लिए कहाँ लेगा. तो अभी गीतांजलि सारा टैरो कर लिया, टैरो मुझे तो समझ में आता नहीं है, तो मैं निकालूंगी गीतांजलि के लिए एंजल कार्ड. चलो शफल करोगी आप संभावना? अरे कैसे डर डर के शफल कर रही हो, कहीं गिर नहीं जाए ना. तो ये निकालेगी, आपको निकालना है, ये रीड करेगी? ये हाँ मैं निकाल सकती हूँ अपने लिए. अब ये बोल रही है निकालू. अरे 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 रायता फैला दिया. एंजल्स को परेशान कर दिया तुमने, पता है. What do you desire right now? Visualize it and it will come out. Come about. Negativity will block your progress. So I'm visualizing my father becoming very, very well and better and coming home soon. They're very positive cards. अभी तुम मेरे लिए निकालो. हाँ, मैं निकाल दिया. एक ही कार्ड निकालो? दो निकाल दो. क्यों, एक पे भरोसा नहीं है? So let's see what is the angelic message for Sambhavna. Okay, new romance is imminent. New romance? Either with a newcomer or through reignited passion in your existing relationship. Be open to receiving and giving love. So this Sambhavna, I would not say it as this thing that new. Maybe new romance koi nahi life mein. कुछ नहीं गीतांजलि मतलब होने था. अरे पर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी है ना. अच्छा ये तो ये बोलो ना, मैं आदमी पे शक कर रहा था. मेरी लाइफ में नया रोमांस आ रहा है. और थ्रू रीइग्नाइटेड पैशन इन योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप दोनों बहुत और क्लोज आओगे. नहीं और नहीं आना मुझे इस आदमी के क्लोज. इस आदमी से थोड़ा दूर रखो मुझे. अब क्या हो रहा है ये? दूसरा मैसेज. अब एक और मैसेज निकाल दूंगी ना मेरे लिए. मैं एक और गीतांजलि के लिए निकालती हूँ. ओके मैं एक तुम्हारे लिए निकालती हूँ. अरे अरे अरे. A happy move to a new home or place of employment is in the works. This movement will assure in positive new energy. तो आपने बहुत सही कार्ड निकाला है. पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपने नए घर में जाने वाली. क्या बात कर रही हो? और मैं तो वहाँ पर तुम देख रहे हो मेरा हाथ? देख रहे हो हाथ? देख रहे हैं इनका मेरा हाथ? लकी चार्म है, लकी चार्म. हाँ तो मुंह पे मत जाओ, हाथ देखो मेरा. मुंह पे मत जाओ. तुम्हारे लिए एक एंजेलिक कार्ड निकालो. मैं निकालू? हाँ. स्पेंड टाइम अलोन. कुछ थोड़ा सा टाइम अलोन कीजिए कि आपको डिजायर्स और इंटेंशंस क्या है क्लियर होने के लिए. तो थोड़ा सोचो कि आपको क्या करना है, फिर आपके एंजल्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे कि ये चीज आपके लिए सबसे बेस्ट है. लेकिन ये आदमी तो वैसे ही अकेला रहता है. कितना करेक्ट कार्ड निकला है. स्पेंड टाइम अलोन इन नेचर और मेडिटेटिंग. तो अभी मैं इधर एक टैरो अब मैं गीतांजलि के लिए करूंगी. ओके पढ़ोगी भी खुद ही? सवाल भी खुद ही पूछ लोगी? तो गीतांजलि. अरे वाह, देखा. निकालो तीन कार्ड. अरे तो सवाल क्या है? कार्ड तो निकालो. सवाल क्या है तुम्हारा? सवाल क्या है अब तो? कैसा रहेगा 2021 मेरे लिए? निकालो कार्ड. मैं खुद ही निकालू? अच्छा तीन निकालो कार्ड. ये लो पढ़िए. अरे एटीट्यूड तो देख लो, फेक टैरो कार्ड रीडर का. नहीं ये कह रहा है 2021 तो नंगा कर देगा भाई. फूल अलग बनाया तुम्हारा, धूप में तरसाएगा कह रहे हैं. हाँ फिर कह रहे हैं तीसरा तो नंगे को कोबरा भी खा जाएगा. भाई तीन कार्ड कैसे निकले? इसका अब आप बताओ इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या था? इसने नंगा करवा दिया. सो लवर्स कार्ड मींस कि कहीं ना कहीं आपका किसी के साथ बहुत अच्छा पार्टनरशिप रहेगा. अच्छा किसके साथ? अच्छा कमिटमेंट होगा. आपको नए वेंचर्स के लिए डेफिनेटली क्या बोलते हैं लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो. देन इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी इन दिस ईयर. सो इट कैन बी अ जर्नी आइदर आई विल बी ट्रैवलिंग और आई विल बी डूइंग समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव. इट्स अ वर्ल्ड कार्ड. इट्स अ टॉप मोस्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक. क्या बात कर रहे हो? तीन कार्ड निकाले हैं. देयर ऑल मेजर आर्काना. इसको अगर मैं कार्ड नंबर दूं तो 100/100 देती हूं. तो ये मैंने किया है? आपने किया है? निकाला मैंने ये आया मेरे थ्रू है कि मेरे तो भाई एक एनर्जी निकल रही थी. तो भाई जो हम यहाँ अपने टैरो कार्ड रीडिंग कराने आए थे सबसे अच्छा तो गीतांजलि जी का निकला. अपना हमारे भी निकले, गीतांजलि के निकल आए. ऐसे कार्ड तो हमारे निकले, एक घंटे से बैठे हुए यहाँ पे. आई एम गोइंग
पर आप लोग यहाँ पे आए तो ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी पॉजिटिव हो गई ना, वो क्यों नहीं सोचते। तो इस समय गीतांजलि की लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। और विद दिस वी एंड दिस ब्लॉग, एंड लोग जितने भी आना चाहते हैं मेरी गीतांजलि के पास, मैं गीतांजलि को 10/10 नहीं कह सकते, 100/100 रेकमेंड करूंगी। गीतांजलि के पास आओ सच्ची एक्चुअली टैरो के लिए। तो आप ये मत सोचो कि झूठ झूठ के लिए मैं गीतांजलि आपको खुश नहीं कर सकती, ये औरत पाखंड नहीं कर सकती है, ये थोड़ी ज्यादा सच्ची है, क्या करूं मैं बहुत समझाई हूँ लेकिन नहीं मानती है, ये मेरी तरह ही है। सुनो ये ब्लॉग स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरी दोस्त है। गीतांजलि की डिटेल्स मैं अपने क्या उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग ले सकते हो। और कोई जरूरी नहीं है कि आपको आना है, बट आई थिंक एक बार आजमाने के लिए यू मस्ट विजिट गीतांजलि। और बहुत मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स हैं तुम्हारे यहाँ पे ना, गीतांजलि मुझे बताती रहती कि इतने सब्सक्राइबर्स यहाँ पे आते हैं, आई फील सो हैप्पी कि अगर कहीं भी किसी का भला हो सकता है, किसी को किसी क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं तो व्हाई नॉट। और हमारे सब्सक्राइबर को गीतांजलि जी बहुत अच्छा डिस्काउंट भी देती हैं। सच बोले झूठ नहीं बोले, जबरदस्ती की लीपा पोती ना करे। तो आप त्रुट सुनने आए हो, त्रुट आपको सुनो, कभी कभी त्रुट खराब लगता है बट जो है वो बोलना पड़ता है। सो विद दिस वी एंड दिस व्लॉग, और लव यू सो मच गीतांजलि, थैंक यू सो मच कि हम लोग दिल से यहाँ पे आते हैं गीतांजलि के पास। लास्ट भी आए थे तो दिल से आए। सो यस, नए ऑफिस को दिखाना था, हमें भी देखना था, आपको भी दिखाना था। एंड आपको जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्हिच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। करा लो टैरो क्योंकि सब कुछ सच सुनने को मिलेगा। बोलते हुए पहले नहीं बोल पा रहे थे, अभी बोलते हैं।